हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन DIY होम रेमेडीज। ये होम रेमेडीज आप अप्लाई करके इस विंटर सीजन में अपनी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना के रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से ये होम रेमेडीज मैं आज आप लोगों के साथ घर में बना के दिखाऊंगी और इसे कैसे अप्लाई करना है ये भी बताऊंगी। ये जो DIY जेल और फेस पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसे अप्लाई करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ ड्राइनेस की वजह से हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस, रिंकल्स जो हमारे चिन एरिया पे, फोरहेड एरिया पे आ जाते हैं, ये भी रिमूव करने में ये हेल्प करेगा और हमारे स्किन की डार्कनेस को भी ये फेयर करने में हेल्प करेगा। आज जो मैं DIY क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसका मेन इंग्रेडिएंट है निविया क्रीम। ये जो क्रीम है ये कितना स्किन के लिए बेनिफिशियल है आपको तो पता ही है। मैं जो आज DIY फेस पैक और क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये ना कि सिर्फ आपके स्किन की ब्लेमिशेस को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन की कोलाजन को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो टीस्पून यहाँ पे ये क्रीम ले लिया है, निविया क्रीम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज वाटर करीबन 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि निविया क्रीम बहुत ज़्यादा थिक है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि मार्केट में इवियन 400 के नाम से आता है। इसका हम लोग 2 कैप्सूल यहाँ पे ऐड करेंगे कट करके। आप चाहे तो विटामिन ई ऑयल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो फिर आप यहाँ पे ऑरेंज जूस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 10 से 12 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर दिया है और ये हमारा क्रीम बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे स्टोर करना भी बहुत ही आसान है। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके ईजीली इस सर्दी के मौसम में फ्रिज के बाहर 5 से 6 दिन आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे अप्लाई करने का टाइम है, आप नाइट टाइम इसे अप्लाई करें, क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो कि नींबू में रहता है, ये मैंने इसमें डाला है। इसीलिए इसे आप नाइट टाइम में अपने पूरे फेस में, नेक में अप्लाई करें। अप्लाई करके इसे रात भर लगे रहने दें और मॉर्निंग में अपने फेस को प्लेन वाटर से क्लीन कर लें। कुछ ही दिनों में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसे पैक बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच निविया क्रीम और 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल का मिक्स लिया है, जिसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो फिर आप किचन हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो उसका क्वांटिटी आप यहाँ पर थोड़ा सा कम रखें। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोगों को मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम लोग इसमें फिर से कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की ऐड करेंगे और फिर से हम लोग इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये पैक बनके बिल्कुल तैयार है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसे भी आप स्टोर करके 1 वीक तक ईजीली रख सकते हैं। जब भी आपको इसे यूज करना है, कोशिश करें इसे नाइट टाइम यूज करने का। इवनिंग के टाइम में इसे यूज करें तो बेटर है। तो इसको जब आप यूज करेंगे तब इसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस अगर आपको सूट करता है तो इसमें ऐड कर ले। फिर इसे आप पूरे फेस में, नेक में अप्लाई करें। अप्लाई करके इसे मिनिमम आधा घंटा आप अपने पूरे फेस में, नेक में इसे लगे रहने दें। आधे घंटे बाद यानी कि 1/2 आवर के बाद आप प्लेन वाटर से अपने फेस को क्लीन कर ले, बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करके देखिए। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।